गन्ना किसानों के लिए चंडीगढ़ से अच्छी खबर आई है। हरियाणा सरकार गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यह जानकारी दी। अभी यह तो नहीं स्पष्ट किया गया है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले सीजन में हरियाणा सरकार गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना किसानों के लिए हितकारी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि निश्चित तौर पर इस बार हरियाणा सरकार गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही मंजूरी देंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही किसानों को दी जाएगी। गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक रहा है। केवल एक बार पंजाब ने हरियाणा से अधिक रेट दिया था, लेकिन पंजाब में गन्ना किसानों को भुगतान की स्थिति सही नहीं है। जबकि हरियाणा सरकार ने पिराई सीजन में 2022-23 के दौरान गन्ना किसानों को 2,819 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आपको बता दें कि गन्ना पिराई सीजन 2021-22 के दौरान हरियाणा के विभिन्न चीनी मिलों में 7,54,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी। चीनी रिकवरी भी 9.47% थी, जबकि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले गन्ने की पिराई में और रिकवरी में वृद्धि हुई है। गन्ना पिराई सीजन 2022-23 में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा 7,70,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई तथा चीनी की रिकवरी 9.70% रही, जबकि 2023-24 में 9,62,00,000 गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार गन्ने की नई किस्म 15-023 को बढ़ावा देने के लिए बीज विकास पर ध्यान दिया जाएगा। यह किस्म इस समय चल रही किस्म 238 से कई गुना बेहतर है, इसलिए विभाग के अधिकारियों को इस किस्म के बीज तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।